हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल टुडे। सो गाइस, मुझे ना थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था, फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए जाना था। सो आई वाज लाइक चलो एक बेसिक सा मेकअप लुक कर लेते हैं। सो मैं ये इवनिंग में शूट कर रही थी, सो 3-4 घंटे के लिए मैं बाहर गई थी। सो बस अपना टोनर लगाया था, STIs का टोनर, टी ट्री वाला लगाया था बिकॉज इट्स वेरी ह्यूमिड इन दिल्ली, वेरी 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 ह्यूमिड। सो टी ट्री वाला टोनर है, एंड उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की ये मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था। आई थिंक ये ब्राइटनिंग नाइट क्रीम है, बट मैंने इसको एज अ मॉइस्चराइज़र, मैं डे नाइट ऐसा फ़र्क नहीं करती हूँ कि नाइट क्रीम को नाइट क्रीम तरह यूज़ करो। सो येस, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। एंड उसके बाद ये फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन है, इसको मैं अक्सर इसलिए यूज़ कर रही हूँ आजकल, ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप देख रहे होगे मेकअप लुक वाली, क्योंकि ये फाउंडेशन ना फिनिश होने वाला है। सो मैं ये भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाना चाहती हूँ, या उन लोगों को जो लोग बार बार मेरी ना प्रोडक्ट एम्प्टीज़ वाली वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आप क्या यार ये मेकअप प्रोडक्ट्स को खा जाते हो क्या, या आप ऐसे ही फेक एक तरह से दिखाते हो, हम इतने प्रोडक्ट्स तो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। बट आप देख लो, कंसिस्टेंट यूज़ से प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली एम्प्टी आउट हो जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ फेक दिखाती हूँ कि मेरे इतने प्रोडक्ट एम्प्टीज़ हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने यूज़ करती हूँ और मैं डेली बेसिस पे मेकअप करती हूँ, मैं ऑलमोस्ट डेली बाहर जाती हूँ, एंड कभी काम के लिए कभी वैसे, तो मैं मेकअप करती हूँ। एंड मैं अक्सर वीडियोज़ को नाइट में फिल्म करती हूँ। सो जैसे रिव्यू वीडियोज़ है या वैसे जो भी यूट्यूब की वीडियोज़ है उसको मैं नाइट में फ़िल्म करती हूँ, तो इस वजह से मैं उसका मेकअप दोबारा करती हूँ नाइट में, है ना। सो इसीलिए मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ हो जाते हैं, चाहे मॉइस्चराइज़र हो चाहे कुछ भी हो। एनीवेज, सो मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ। ये बनाना पाउडर है फ्रॉम बॉबी ब्राउन, ये इसमें ये कंसीलर एंड बनाना पाउडर वाली किट थी। कंसीलर तो बहुत पहले फिनिश हो गया था, सो ये बस बनाना पाउडर है, इसे सेट किया अपने फेस को। एंड उसके बाद काजल लगा रही हूँ। सो गाइस, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेकअप लुक में मैं मेकअप लुक जब भी करती हूँ ना, मैं कोई रूल फॉलो नहीं करती, ठीक है, अपने हिसाब से करती हूँ। सो ये मैंने वेट एंड वाइल्ड का कंफर्ट जोन पैलेट लिया है, आप इसकी भी हालत देख सकते हो कितना ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने ये ऑरेंजी ब्राउन से शेड लिया है, दिस इज़ अ ट्रांजिशन शेड, अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ, आईलिड्स के नीचे अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा स्मज कर रही हूँ काजल को फॉर दैट डेफिनेशन। उसके बाद ये शिमर शेड है इसका, थोड़ा सा घिसना पड़ता है इसे एंड ताकि फॉल आउट ना हो, तो इसीलिए मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ एक्सेस को, एंड थोड़ा सा अपने आईलिड्स के ऊपर यू नो एकदम लैश लाइन के पास में ही अप्लाई कर रही हूँ, तो एक काफ़ी अच्छी सी डेफिनेशन मिल जाती है, आपकी आईज़ ना थोड़ी शार्प लगने लगती हैं। इसी शेड को मैं हाफ अपना ये जो नीचे वाली लाइन होती है ना, क्या कहते हैं यार इसको, लैश लाइन नहीं, और ये जो नीचे वाली, हाँ ये जो लैश लाइन होती है नीचे वाली जहाँ हम काज लगाते हैं, वहाँ पर भी हल्का सा स्मज कर रही हूँ। उसके बाद ये मैं कलर बार का काजल यूज़ कर रही हूँ, ये 2-in-1 वाला, सॉरी मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, 2-in-1 वाला है। आई थिंक ये एक तरफ लेंथनिंग है और एक तरफ कुछ और है, वॉल्यूमाइजिंग है, सो मैं लेंथनिंग वाला कर रही हूँ। आप जो आपको मस्कारा पसंद है आप उसे यूज़ कर सकते हो, और इसी को ही मैं आईब्रोज पर लगा रही हूँ। एज आई सेड, कुछ फ्रेंड्स से ही तो मिलने जाना था गाइज, और यही मेरा बेसिक लुक होता है। उसके बाद ये मैं एल्फ का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। नाउ गाइस, डोंट कम एट मी कि आपने फेस को पाउडर से सेट कर दिया है एंड उसके बाद क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे लिए वर्क करता है, और मतलब मेरे लिए ऐसे ही वर्क कर जाता है गाइस। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना है, प्लीज़ आप करिए, बट जो रूल मेरे से फॉलो होता है या जो मेरे लिए वर्क करता है, मैं आप लोगों से वो शेयर कर रही हूँ। मैंने कॉन्टोर वगैरह नहीं किया है, बट आप कर सकते हो। एंड ये है अगेन, ये माई ग्लैम का लिप लाइनर है, ये मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले लिया था, और ये जितनी क्वांटिटी आपको दिख रही है ना वीडियो में, आई थिंक उतनी ही बच गई है। ये शेड है कैरेमल, सो इससे मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ, एंड उसके बाद मैं माई ग्लैम की लिपस्टिक से ही फिल करूँगी लिप्स को। सो लिप लाइनर लगाने से क्या होता है ना, आपकी लिपस्टिक थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, एंड ऑब्वियसली आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो या कुछ भी है, कुछ खाओगे पियोगे एंड ऑल ऑफ दैट, सो थोड़ा बहुत तो यू नो लिपस्टिक ऊपर नीचे हो जाता है। और ये माई ग्लैम की ही लिपस्टिक है, एज आई सेड ये शायद 3 का पैक आता है या कुछ आता है, सो ये भी अभी न्यू है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो दिस इज़ लाइक माई कम्प्लीट मेकअप लुक, एंड 3-4 घंटे तक अच्छे से टिका रहा था। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड अगर आया है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।